इस लड़के ने एक अंडा उठाया। उसने उसे खोला और पाया कि वह फिर से हरा हो गया था। लड़के को बेहोशी की धमकी दी गई थी। उसने चाकू से काटना जारी रखा और देखा कि खोल पर अभी भी कुछ बलगम था। यह किस प्रकार का खिलौना है? इससे पहले कि एंगस के पास सोचने का समय होता, उसकी माँ ने उसे दूर बुला लिया। अजीब बात यह है कि उसके जाते ही अंडा फिर से हिल गया। रात में जब बारिश होती है तो एंगस को अब अंडा याद आता है। वह जांच करने के लिए नीचे भागा। अनपेक्षित रूप से जमीन पर केवल अंडे के छिलके हैं। अंदर के जीव मुझे नहीं पता कि वे कहां गए हैं। एंगस थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन इस समय कैबिनेट पर रखा कांच का फूलदान अचानक जमीन पर गिर गया। आगे कुछ है। एंगस सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन मेरी आंखों के सामने जो हुआ वह था। एंगस ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। यह देखकर कि यह खतरनाक नहीं है, उसने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। लेकिन अगले सेकंड एंगस ने अनुमान लगाया कि यह भूखा था, इसलिए उसने इसे खिलाया। समुद्री राक्षस ने बहुत अच्छा खाया। उसने भी धीरे धीरे अपने पहरे को कम कर दिया। जब एंगस का हाथ उसके गंजे सिर को छूने वाला था तो वह खुशी से झूम उठा। एंगस इसे अपना पालतू मानते हैं। अगले दिन वह उसके लिए खाने का टोकरा लाया। जब उसने खाना शुरू किया तो एंगस ने यह पता लगाने के लिए एक किताब निकाली कि वह कौन सा जानवर है, लेकिन उसके जैसा दूसरा कोई प्राणी नहीं है। एंगस को तुरंत याद आया कि यह झील द्वारा खोजा गया था। उसने तुरंत उसे एक बाल्टी पानी में डाल दिया। जल राक्षस वास्तव में जलीय जीव है, पानी में मजा है। एंगस ने इसका नाम क्रूसो रखा, क्योंकि उसने दूसरों को पता नहीं चलने दिया। उसने चुपके से इसे छिपा दिया, लेकिन क्रूसो इतना नटखट है, वह रात में चुपके से निकल जाता है। एक कुत्ते ने उसकी गंध सूंघी और काटने की इच्छा से उसका पीछा करने लगा। सौभाग्य से कुत्ते का पट्टा वापस खींच लिया गया था, इसलिए वह जीवन से बच निकला। लेकिन यह नहीं रुका और इंतजार किया, बल्कि एंगस की बहन के स्नान में चला गया। एंगस ने इसे सुना और तेजी से ऊपर की ओर भागा। फिर क्रूसो की पृष्ठभूमि के बारे में पूछे। यह देखकर कि क्रूसो खतरे में नहीं था, वह एंगस की मदद करने के लिए तैयार हो गई। किसने सोचा होगा कि घर में काम करने वाला बाथरूम का दरवाजा खटखटाएगा? लुईस नलसाजी ठीक करने आया था, इसलिए उसे अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलना पड़ा। आप दोनों ने क्रूसो को छिपाने की कोशिश की, लेकिन यह अपने आप सामने आ गया। लुईस ने क्रूसो को देखा और जान गए कि यह एक दुर्लभ प्राणी है। उन्होंने एंगस बहनों को लोचनेस राक्षस के बारे में बताया। यह समुद्री राक्षस दुनिया का दुर्लभ जीव है। यह उभयलिंगी है, दुनिया में केवल एक ही है। जब यह बूढ़ा हो जाता है तो यह अंडे देता है और फिर मर जाता है। लुईस को लगता है कि क्रूसो लोचनेस राक्षस है। यह इस तरह के एक छोटे टब के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। शौचालय के ढक्कन से राक्षस फिर से बाहर आया। क्योंकि उसने इसे चीखने नहीं दिया, लुईस ने अपना मुंह ढक लिया। आप और एंगस एक ही तरफ हैं, दोनों ही क्रूसो की रक्षा करना चाहते हैं। क्रूसो बाथटब में बंद है। एंगस और लुईस इसे अगले दिन जारी करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि रातों रात क्रूसो को कुछ हो गया। वह नीचे गिर गया क्योंकि वह कुर्सी पर रखा खाना खाना चाहता था। कमरे से बाहर निकलने के बाद उत्सुकता होने लगी। वह यह भी सोचता है कि यह टेडी बियर ही वह कुत्ता है जिसने पहले उसका पीछा किया था। बस टेडी बियर को डराओ। क्रूसो ने भोजन की सुगंध सूंघी और नीचे चला गया। उसी समय क्रूसो को सूंघने वाला कुत्ता भी उसका पीछा करने लगा। क्रूसो केवल अपने पैरों को क्रॉस करके ही भाग सकती थी। यह नीचे लुढ़का हुआ था और कुत्ता पीछे था। तुम दोनों ने एंगस फूलदान को गिरा दिया। आवाज सुनकर एंगस और उसकी बहन नीचे देखने के लिए दौड़े, लेकिन जब वे नीचे गए तो उन्होंने लुईस के हाथ में कुछ तोड़ दिया। घर अस्त व्यस्त हो जाता है, नीचे फिर से बहुत व्यस्त है। एंगस की माँ और अधिकारी अब भी हैरान थे। अचानक क्रूसो और कुत्ता खाने की मेज पर एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दिए। सौभाग्य से किसी ने क्रूसो को नहीं देखा, इसलिए वह बच निकला। कुत्ते ने भी पीछा किया, लेकिन क्रूसो ने खुद को छिपाने के लिए एक मूर्ति के रूप में प्रच्छन्न किया। जब तक कुत्ता हिलने की हिम्मत न करे तब तक प्रतीक्षा करें। पीछे से भोजन की सुगंध को सूंघते हुए क्रूसो ने टैंक के केंद्र की ओर देखा। खाना, यह सब खाना है। वह तेजी से पानी की टंकी में कूद गया। एंगस और लुईस ने पूरी शाम उसकी तलाश की और वह नहीं मिला। भोर में लुईस ने आखिरकार क्रूसो को खाते पीते पाया। यह अब बहुत बड़ा है। लुईस ने झट से जाकर एंगस को बुलाया और अधिक प्रतीक्षा करने में असमर्थ उन्हें जल्दी से क्रूसो को झील पर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि एंगस इसे सहन नहीं कर सका, वह और लुईस क्रूसो को झील में ले गए। लुईस ने उसे पानी में लुभाने के लिए भोजन का इस्तेमाल किया। जब वह तैरकर दूर चला गया तो वह और एंगस चले गए। एंगस जाने के लिए सहन नहीं कर सका, लेकिन क्रूसो की सुरक्षा के लिए लड़का मुड़ा और चला गया। हालांकि दूसरों द्वारा क्रूसो की खोज किए जाने से बहुत पहले यह नहीं था। दो बूढ़े आदमी झील के बीच में मछली पकड़ रहे थे कि अचानक हुक ने झटका दिया।
आदमी नीचे पानी देख रहा है। अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे बाद में एक अजीब प्राणी प्रकट हुआ। लौटने के बाद उन्होंने सभी को इसके बारे में बताया। उन्होंने सोचा कि शायद यह पौराणिक समुद्री राक्षस था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कि उन्हें अंधा कर दिया गया है। इंगस इसके बारे में जानता था और झील की ओर भागा। लड़का झील के बीच में नाव पर चढ़ गया और समुद्र राक्षस का नाम चिल्लाया। जल्द ही समुद्री राक्षस इंगस के पीछे दिखाई दिया, लेकिन इंगस डरे नहीं बल्कि अपना चेहरा रगड़ने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि यह इंगस द्वारा उठाया गया क्रूसो है। इंगस भी क्रूसो की गर्दन पर बैठ गया और उसे झील के चारों ओर ले जाने दिया। हालांकि वह पानी से डरता था, लेकिन क्रूसो के शरीर पर बैठकर वह बहुत सुरक्षित महसूस करता था। यहां तक कि जब क्रूसो उसे पानी के नीचे ले गया तब भी वह डरा नहीं। इंगस ने सबसे पहले झील के नीचे के दृश्यों को देखा। पता चला कि झील के नीचे एक और दुनिया है। अंगज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, परंतु शीघ्र ही वे लोहे के जाल में फंस जाएंगे। इंगस अंत में घबरा गया, लेकिन क्रूसो ने लड़के की रक्षा की। कई सालों तक उस मंजर को याद करते हुए इंगस भी खुशी से हंस पड़े। आप और क्रूसो पूरी दोपहर खेले। दुर्भाग्य से जब मैं तट पर पहुंचा तो एक कुत्ते ने मेरा पीछा किया। इससे क्रूसो की गंध आ रही थी, इसलिए कप्तान भी आ गया। कप्तान ने जल्द ही इस जीव के बारे में सुना था, लेकिन आज तक वह इसे अपनी आंखों से देख पा रहे थे। अगले दिन झील पर सैनिकों ने पूर्वाभ्यास किया। नीचे क्रूसो पर लगातार गोलियों की बौछार होती रहती है। इंगस उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक लिया। सौभाग्य से क्रूसो का शरीर सेना के भूस्खलन से बच गया। इंगस क्रूसो के बारे में बहुत चिंतित था, इसलिए वह लुइस के साथ झील के किनारे चला गया। जब उसने क्रूसो का नाम पुकारा तब वह पहले जैसा ही था, लेकिन क्रूसो पर अभी अभी हमला हुआ। वह अब इंसानों पर विश्वास नहीं करता। इंगस पर हमला करना पागलपन भरा है। सौभाग्य से लुइस ने उसे समय पर बाहर खींच लिया ताकि वह घायल न हो। क्रूसो पानी के नीचे गोता लगाता है, लेकिन जवानों ने इसे जाने नहीं दिया। वे लोगों को एक नाव पर लाच नेस तक ले गए, इसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते थे। क्रूसो इतना क्रोधित था कि उसके दांतों पर चोट लग गई, इसने सीधे उनकी नाव को पलट दिया। जब वह अधिकारी को खाने ही वाला था तो इंगस उसे रोकने के लिए तेजी से दौड़ा, लेकिन वह जल्दी ही पानी में डूब गया। क्रूसो ने यह देखा और अधिकारी को दूर फेंक दिया। उसके पास अभी भी इंगस को मरते हुए देखने का दिल नहीं था, इसलिए उसने उसे बचा लिया। लेकिन सैनिकों ने क्रूसो को दुश्मन की पनडुब्बी समझने की भूल की, इसलिए उन्होंने उस पर फिर से हमला कर दिया। इंगस क्रूसो की रक्षा के लिए उसके ऊपर बैठ गया और मार्ग का नेतृत्व किया। इंगस क्रूसो को समुद्र में ले जाना चाहता है। वे एक जैसे बमों और गोलियों से छलनी हो गए। जब एक बम था, इंगस ने क्रूसो को गहरे पानी में गोता लगाने का संकेत दिया। उन्हें समुद्र तक जाने के लिए लोहे के जाल को पार करना था, लेकिन वे एक कदम चूक गए। आगे का रास्ता अवरुद्ध देखकर इंगस निराशा से भर गया। उसने क्रूसो से पूछा कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, और लुइस उसके पास दौड़ा और उसे जल्दी से क्रूसो से उतरने के लिए कहा। केवल इंगस ही इससे दूर हो सकता है। क्रूसो तैरने के लिए समुद्र में प्रवेश करता है। उसके बाद से इंगस को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन कई साल बाद समुद्र तट पर एक अजीबोगरीब अंडा दिखाई दिया। एक लड़का था जो वहां से गुजर रहा था और उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया।